शहीद स्मारक पर लगातार 24 दिन से कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज महिलाओं ने बड़ी संख्या में तपती धूप में रोड पर खड़े होकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन के कारण 5 महिलाओं की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें SMS में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष सतीश लांबा ने युवाओं को समर्थन दिया और धरना स्थल पर पहुंचे। आया उनका पुस्तक जानने आया और मैं मुख्यमंत्री जी तक और सरकार तक की बात पहुंचाऊंगा। और मुख्यमंत्री जी भी इस मामले में काफ़ी संवेदनशील हैं। उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की है, बातचीत चल रही है, कुछ ना कुछ जल्दी ही रास्ता निकलेगा और ये सारे साथियों को कुछ अच्छा भी होगा।